चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बेरोजगारी बढ़ा दिया, जितने भी माने नौजवान हैं सब बेरोजगार हो गया, इसीलिए हम लोग इस बार सरकार को बदलना चाहते हैं, नीतीश कुमार खासकर नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं। घुसखोरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में भी घुसखोरी चल रहा है। हमें बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, अगर हम बिहार में रोजगार कर पा ले तो हम बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, इतनी दूर हम पैसे खर्च करके अपने पराये को छोड़ के जाते हैं। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के जजवारपुर अन्यारपुर गांव टोला में हैं। आज हम यहाँ बिहार की विधानसभा सीट ओराई पर है। आइए लोगों से जानते हैं अब की बार चुनाव के मुद्दे उनके क्या है। जी भाई साहब, आपका नाम? हरेंद्र प्रसाद। क्या करते हैं हरेंद्र जी आप? किसान। क्या मुद्दे हैं अब की बार, किसको वोट दे रहे हैं आप? अफ्ताब भाई को। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या 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 मुद्दे हैं? जैसे मैंने शिक्षा के लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के, हाँ मैंने बहुत सारे ऐसा है जो हर मुद्दा है, गरीबों का जैसे मैंने आहार छीना रहा है, ये सब मुद्दों को लेकर के हम लोग इस बार पलट रहे हैं, जो नहीं बदल देना है तो बदल देना है। आपका नाम? अजीत कुमार। क्या करते हैं अजीत जी आप? जी हम ग्रेजुएशन करके बेरोजगारी हैं जी। तो अब की बार किसको वोट दे रहे हैं आप? हम मैंने इस बार मुद्दा पर वोट दे रहे हैं। मेरा मुद्दा है कि नीतीश कुमार, जब लालू के रिजल्ट में हम लोगों को नौकरी सांख्यिकी में हुआ था, फिर नीतीश कुमार आने के बाद सांख्यिकी वालों को रद्द कर दिया। हम लोग दो तीन बार काम किए हुए हैं, दो तीन बार काम करने के बाद जो बेरोजगारी मैंने हम लोग का था वो मिला और उसके बाद नौकरियाँ ख़त्म कर दिया, इसीलिए हम लोग महागठबंधन को इस बार सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार हम लोग फूल छाप को माने किए थे, इस बार हम लोग। तो पिछले 5 सालों में फुलचाप सरकार ने कुछ किया गांव में बिहार में? बेरोजगारी बढ़ा दिया, जितने भी माने नौजवान हैं सब बेरोजगार हो गया, इसीलिए हम लोग इस बार सरकार को बदलना चाहते हैं, नीतीश कुमार खासकर नीतीश कुमार को बदलना चाह रहे हैं। हमारे हमको नहीं चाहिए बिहार का ऐसा नेता, 15 साल राज कर लिए, वो अब थक गए, अब हम नहीं चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर वो माने जाके घर पर आराम करे, अब वो नवयुवक के मौका दे, नवयुवक अपना तरह से काम करेगा, वो बेरोजगारी को दूर करेंगे। सोलर आया था यहाँ पे, वो भी सोलर का चिल्लम चिल्ली हुआ तो सोलर चल गया, वो सोलर रात में लेके आया था 10 बजे, 10 बजे का कोई टाइम है सोलर लाने के लिए? दिन में आइए, यहाँ पर 10 आदमी रहता है, 10 तरह का बात होगा, आप आइए यहाँ पे बैठा करके, जहाँ पे सुविधा है तो वहाँ पे करिए, आप किसी के दरवाजे पे गाड़ के चल जाइएगा, ये संभव है? चाहे दिन में आइए, 10 आदमी के विचार कीजिए भाई, कहाँ पे सोलर लगाना चाहिए। यहाँ घोषित हो गया कि सोलर लग गया, नियापुर में सोलर जल रहा है, आपका कहीं दिख रहा है सोलर? कोई सोलर नहीं लगा, नल जल वाला, नल जल में चालू हो गया, ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ये क्या है कानूनी? इलेक्शन आ गया तो पानी आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, 50 जगह अति पाइप फूटा हुआ है, कोई सर्वे नहीं होता है, खाल कह दिए नल जल कर दिए। तो स्कूलों की क्या स्थिति है अभी? यहाँ सबसे खंडर है, अभी शिक्षा विभाग में कुछ नहीं है, अभी घुसखोरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में भी घुसखोरी चल रहा है। यहाँ जजवार जो है कटरा और आई विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र में बहुत ही सब घटिया से घटिया स्वास्थ्य केंद्र है। आपका नाम? MD समीर। जी समीर, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ पर? दिल्ली में। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं अब की बार बिहार चुनाव में? जी मुद्दे तो हम लोग का यही है कि फिलहाल अभी हम लोग लॉकडाउन में ही आए हैं, लॉकडाउन का महामारी हम लोगों ने बाहर में भी सहा, प्लस हम लोग घर पे भी सह रहे हैं, और जो हमारे सरकार है जिसे हमने यानी कि पिछले बार यानी कि अपना कीमती एक वोट देकर उनको यानी कि विजय बनाया, तो उनको यानी कि पद पे बैठाए थे महागठबंधन को, और वो हमें साफ से इनकार कर दिए। जब हम लोग को बुलाने की बारी आई तो साफ से वो मना कर दिए कि हम बिहार में नहीं ले सकते, हम आपको किस लिए वोट दिए थे, किस लिए हम आपको जिताए थे, ताकि आप हमारा सेवा कर सकें, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, और प्लस उन्होंने यानी कि महागठबंधन को भी तोड़ के यानी कि दरबदलू हो गए, पलटू हो गए, तो उनको तो बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल अब हम लोग तेजस्वी यादव जो युवक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका यानी कि प्लस हम लोग यानी कि जो भी बाहर में प्रवासी मजदूर थे उनके हक में यानी कि उन्होंने काफ़ी लड़ा, काफ़ी मदद किया जिस हद तक हो सके, हालांकि वो पार्टी में नहीं थे, बिना पार्टी के भी उन्होंने बहुत मदद किया। बिहार में अभी तो कोई कंपनी नहीं है, हमें बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, अगर हम बिहार में रोजगार कर पा ले तो हम बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी दूर हम पैसे खर्च करके अपने पराये को छोड़ के जाते हैं, अगर हमारे बिहार में कोई कंपनी हो तो हम यहीं जॉब कर सकते हैं, यहीं कमा सकते हैं। बिहार में जो काम होना चाहिए वो काम होता नहीं, अभी नल जल पे काम हुआ है, जबकि हमें नाला की ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी हमारे बिहार का स्थिति देखिए, नाले पानी की वजह से रोड खराब हो रहे हैं, जबकि नाला अगर देते तो वो बेहतर था, हमारे पास पानी की कोई दिक्कत नहीं, हम सब घर में यानी कि कल लगा रखे हैं, ये नल जल सिर्फ फालतू पैसा सरकार का।
बिहार में काफ़ी रोष है नौजवानों में बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और अब की बार रुख बदल रहा है। लोगों का कहना है कि अब की बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, तो उस पर नौजवान और सभी लोग महागठबंधन की ओर अब की बार वोट करने वाले हैं, ये लोगों का कहना है। चलचित्र अभियान के साथ लगातार जुड़े रहिए बिहार की चुनावी चर्चा के साथ। धन्यवाद।